और प्रदेश भर में नववर्ष गुड़ी पड़वा के साथ ही चैत्र नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ हो चुका है, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में धार्मिक यात्राओं के साथ ही देवी आराधना भी की गई। विदिशा के प्राचीन मंदिर में घंटी चढ़ाने का महत्व है। शहर के प्राचीन मंदिरों में शामिल गुलाब वाटिका के पास स्थित देवी का बाग करीब 250 साल पुराना स्थान बताया जाता है। खुले आसमान के नीचे विराजी मैया को लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर पीतल का घंटा अर्पित करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, मेरा नाम है लक्ष्मी चतुर्वेदी। यहाँ पे क्या है? मेरे लड़का, मैं पुजारी हूँ, यहाँ का पूजा करता है लड़का। ये मंदिर की जो प्रथा है, जो आप बोलोगे सब इच्छा पूरी होती है, और घंटी की प्रथा है, घंटी बांध के चले जाते हैं लोग। कितनी साल पुराना ये परंपरा चल रही है? ये हमारी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है ये, जब से उसके पहले से भी है, बहुत पुराना। जहाँ जंगल था, शेर आता था, कोई नहीं आता था देवी के बाग पे, सब डरते थे दिन में आने में भी। अब यहाँ की बहुत महिमा होगी, सबसे प्राचीन मंदिर है। मेरा नाम राजकुमार सक्सेना है, बचपन से आ रहा हूँ। ये पेशवा कालीन मंदिर है, यहाँ की मान्यता मन्नत पूर्ण होने के बाद यहाँ घंटी चढ़ाई जाती है। अति प्राचीन मंदिर है, तो बाकी श्रद्धालु 12 महीने यहाँ ऐसी भीड़ लगी रहती है। कितने साल पुराना हुआ? अब पेशवा जी जब से उसी टाइम का है, पेशवा कालीन, अब जो भी टाइम रहा हो, पेशवा जी ने इसकी स्थापना की है। ये मंदिर देवी की बाग के नाम से प्रसिद्ध है, और ये सांची रोड पे स्थित है। और इस मंदिर की हम तो बचपन से पिताजी के साथ में आते थे, छोटे जब से सुन रखा है कि नाना साहब पेशवा जी की नाना बाग ईदगाह चौराहे के आगे जो नाना का बाग है, वहाँ पे नाना साहब की छावनी हुआ करती थी, वहाँ पे उनकी सेना रुकती थी। एक समय वो नाना साहब नवदुर्गा के टाइम पे यहीं पे थे, उस समय उनको पूजन करना थी, तो उन्होंने अपने सेनापति से बोला कि मुझे नवदुर्गा में अपनी पूजन करना है, कहीं पे स्थापना करना पड़ेगी, तो यहाँ पे स्थापना उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे आता है भक्तगण, और कोई भी मान्यता करता है, तो मान्यता उसकी पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद में ये जो आप असंख्य घंटियाँ देख रहे हैं, ये फिर जो भी अपने श्रद्धा अनुसार जैसी भी चढ़ाना चाहता चढ़ाते हैं। देपालपुर में गुड़ी पड़वा पर्व पर कांग्रेस द्वारा नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर एवं नगर के चमन चौराहे पर लोगों को तिलक लगाकर एक दूसरे को गुड़, धनिया और मिठाई खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सभी मिलकर आज नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में, भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामना दे रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी और माननीय विधायक विशाल जी पटेल के नेतृत्व में हमने आयोजन किया है। सभी ये इस भावना से किया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, इसी भावना को लेकर हम सभी को तिलक कर रहे हैं, सभी को गुड़ धनिया बांट के उनके नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा है, और आज संवत 2079 की शुरुआत हो गई है। आज जहाँ पूरा विश्व 2022 में अटका हुआ है, सत्य सनातन धर्म आज 2079 में प्रवेश कर रहा है। इससे पता चलता है कि हिंदू सनातन धर्म कितना आगे है, कितना प्रायोगिक है। और आज चैत्र नव प्रतिपदा भी है, नया हिंदू नववर्ष के साथ में नवरात्र भी है। समस्त नागरिकों को हिंदू नववर्ष की एवं चैत्र प्रतिपदा की हम शुभकामनाएँ प्रसिद्ध करते हैं। और आज समस्त नगर कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NOCI, विधायक प्रतिनिधि महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय माननीय विशाल जी पटेल साहब के नेतृत्व में गुड़ धनिया बांटकर सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। विदिशा में विभिन्न धार्मिक संगठनों के माध्यम से हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष के पहले दिन गुड़ी पड़वा पर युवाओं द्वारा रामलीला परिसर से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। वहीं गांधी चौक नीमताल पर इसका समापन भी किया गया। आज जैसा कि 2 तारीख हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में आज मनाया जा रहा है, और आज जो हमारा जो हिंदूवादी जो साल शुरू होता है वो आज से शुरू होता है, ना कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी से शुरू होता है। तो युवाओं को जो प्रेरणा दी जाती है वो यही दी जा रही है, और आज ये मना के एहसास कराया जा रहा है कि हमारा नववर्ष यही है। और आज पूरे मुख्य मार्गों से लेकर पूरी रैली निकाली जा रही है, नीमताल पर समाप्त की जाएगी। टोंकखुर्द में भी चैत्र नवरात्रि पर हर्षोल्लास के साथ
कार्यक्रम किया गया, जहां एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहां प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के रूप में हम सनातन धर्म से ही मनाते आ रहे हैं, और उसी क्रम में आज हमने नगर में प्रभात फेरिया निकाली और सभी को मंगल तिलक लगाया, नव वर्ष की बधाइयाँ दी, और सब का यह आने वाला वर्ष मंगलमय हो, इस प्रकार से हम एक दूसरे की शुभकामना दे करके नगर में बड़े ही धूमधाम से प्रभात फेरी निकाली। जगह जगह पर प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। यह प्रभात फेरी सरस्वती शिशु मंदिर जमुनिया के तत्वाधान में निकाली जा करके सभी नगरवासी, ग्रामवासी और आने जाने वाले राहगीरों को भी मंगल तिलक लगा करके शुभकामना दी। और इसी क्रम में हमारे यासीन भाई बेरचा वाले, जो मुस्लिम धर्म से अनुयायी है, उनका भी हमने मंगल तिलक लगा करके स्वागत किया, जो देखने और स्मरणीय है, अस्मरणीय है कि आज मुस्लिम भाई भी हमारे सन्निकट आ करके और ऐसे मंगल तिलक लगा करके वो भी एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की शुभकामना देते हैं। और आज बड़ा ही ये एक अच्छा उदाहरण यासीन भाई ने पेश किया, जो हम सब के बीच में आकर के उन्होंने भी इस नव वर्ष की मंगल शुभकामना जो उन्होंने इस प्रकार से दी। और मैं भी सभी को आप चैनल मीडिया के माध्यम से सभी, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश भर में नववर्ष गुड़ी पड़वा के साथ ही चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में धार्मिक यात्राओं के साथ ही देवी आराधना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।